सब्सक्राइब कीजिए परितोष टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परितोष टेक्निकल में। और आज इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एक और TWS जो कि आता है बोट की तरफ से, और यह है बोट एयरड्रॉप्स 413 जो कि आता है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ में। बात करें इसके कुछ और स्पेसिफिकेशन की, 10mm का आपको डुअल डायनेमिक ड्राइवर दिया गया है जहां पे आपको बेस और साउंड क्वालिटी बढ़िया मिल सके। ब्लूटूथ 5.2 टेक्नोलॉजी का यहां पे यूज किया गया है। IPX4 वाटर रेसिस्टेंट के साथ में आता है। वही यहां पे बड़ी बैटरी आपको दी गई है 17 आवर्स का आपको ये टोटल प्ले टाइम प्रोवाइड कर देता है। और यहां पर ये आता है ENX टेक्नोलॉजी के साथ में। तो इस वीडियो में करने वाले हैं इसका फुल रिव्यू और बताएंगे कि ये वाला TWS आपके लिए कैसा होने वाला है। मैंने इसे मंगाया है अमेजोन इंडिया से, मुझे पड़ा है 2400 रुपीज। तो चलिए करते हैं इसका फुल रिव्यू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रितोष और आप देख रहे हैं प्रितोष टेक्निकल। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन हमारी वीडियो की टाइमली मिल जाए। तो गाइस, अनबॉक्सिंग हमने कर लिया है, बॉक्स कंटेनर मिल जाता है, बोट एयरड्रॉप्स 413 ANC काफी बढ़िया लग रहा है। दोनों ये बॉक्स इसके अंदर में चार्ज हो रहे हैं, इसे हम साइड में रखते हैं। ये आपको मिल जाता है केबल, USB टाइप सी केबल दिया गया है चार्ज करने के लिए। 2 pairs ऑफ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स आपको दिए गए हैं, अपने कानों के अनुसार आप चेंज कर पाओगे। बोट का आपको एक स्टिकर दिया गया है और ये आता है 1 ईयर की वारंटी के साथ में। कुछ यूजर मैनुअल्स आपको दिए गए हैं बॉक्स के अंदर में। तो गाइस, बॉक्स कंटेंट में आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं। तो गाइस, अगर बात करें मेरे फर्स्ट इंप्रेशन की, तो ये है बोट एयरड्रॉप्स 413 ANC एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ में आता है। जो ईयरबड्स है उसके अंदर में चार्ज हो रहे हैं, ये राइट वाले ईयरबड्स और ये है लेफ्ट वाला ईयरबड्स। मैंने मंगाया है ग्रीन कलर, वैसे ये 2-3 कलर्स में अवेलेबल है, तो अपने कलर के हिसाब से आप परचेज कर पाओगे। ऊपर में आपको बोट की ब्रांडिंग मिल जाती है। साइड में आपको दिया गया है टाइप सी पोर्ट इसे चार्ज करने के लिए। और ये जो चार्जिंग केस है, इसके अंदर में 320 mAh की बैटरी आपको दी गई है, जो कि 2 घंटे में ये पूरा चार्ज हो जाता है। और बोट क्लेम करता है कि 17 आवर्स का आपको टोटल प्ले टाइम यहाँ पर मिलने वाला है। ये पूरा पॉली कार्बोनेट का बना हुआ है, बिल्ड इन क्वालिटी काफ़ी सॉलिड है। और जो हमारे ईयरबड्स है ये मैग्नेटिक है, चार्जिंग केस से गिरते नहीं है। तो यहाँ पे बिल्ड इन क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है और देखने में काफी बढ़िया लग रहा है। लाइट वेटेड है, इजी टू कैरी है, ग्रीन कलर है, काफी मस्त लग रहा है गाइस। दोनों ईयरफोन को चार्जिंग केस से निकाल लेते हैं। ये है राइट वाला ईयरफोन और ये है लेफ्ट वाला ईयरफोन। जो हमारे ईयरफोन है इनका जो डिजाइन है वो काफी टिल्ट रखा गया है ताकि ईयरफोन हमारे कानों में बढ़िया से सेट हो जाए। ऊपर में आपको टच कंट्रोल दिया गया है जिससे आप मल्टीमीडिया फंक्शन को यूज कर सकते हो। कोई कॉल आ रही है तो उसे आप आंसर कर पाओगे, कॉल को रिजेक्ट कर पाओगे, नेक्स्ट ट्रैक प्रीवियस ट्रैक में जा सकते हो। गूगल वॉइस असिस्टेंट को आप यहां से यूज कर पाओगे और यहीं से आप वॉल्यूम कंट्रोल कर पाओगे। तो टच कंट्रोल आपको दोनों में मिल जाता है। और जो ईयर टिप्स है उसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। 10mm का डायनेमिक ड्राइवर आपको दिया गया है जिससे साउंड क्वालिटी आपको बढ़िया मिल सके। ब्लूटूथ 5.2 टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज किया गया है। IPX4 वाटर रेसिस्टेंट के साथ में आता है। और इसका जो वायरलेस रेंज है वो है अप टू 10 मीटर का। जो हमारी ईयरफोन है यहाँ पे आपको 37 mAh की ईच बैटरी मिल जाती है, जो कि 1 hour 50 minutes में ये फुल चार्ज हो जाता है। तो डिजाइन काफी बढ़िया लग रहा है और इसका जो बिल्ड इन क्वालिटी है वो भी काफी सॉलिड है। ये पूरा पॉली कार्बोनेट का बना हुआ है और ये जो ईयरफोन है ये लाइट वेटेड है। और दोनों में ही आपको डुअल माइक्रोफोन दिया गया है जिसे कॉल्स वगैरह आप करेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो बिल्ड इन क्वालिटी काफी बढ़िया है, काफी सॉलिड है। गाइस, चलिए हम पेयरिंग कर लेते हैं बोट एयरड्रॉप्स 413 ANC को। तो ब्लूटूथ मैंने ऑन किया हुआ है, मोबाइल को साइड में रखते हैं और जस्ट आपको इसे ओपन करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है बोट एयरड्रॉप्स 413 और यहाँ पे आ गया है बोट एयरड्रॉप्स 413 ANC, जैसा कि आप देख पा रहे हो। चलिए इसे पेयरिंग करते हैं। कनेक्टेड यहाँ पे दिखा रहा है बोट एयरड्रॉप्स 413 ANC। वैसे अगर बात करें कि बोट एयरड्रॉप्स 413 में आपको म्यूजिक क्वालिटी कैसी मिलती है, इसका ऑडियो क्वालिटी कैसा है, तो इन TWS को मैं करीबन 2 weeks यूज कर रहा हूँ। 10mm का डायनेमिक ड्राइवर आपको दिया गया है जो कि काफी बढ़िया रिस्पॉन्सिव है। और बात करें अगर बेस की, तो काफी डीप बेस आपको दिया गया है। डेफिनेटली हमारे इंडियन यूजर को
पसंद आएगा। आप कोई भी गाने सुनोगे जिसके अंदर में बेस प्रेजेंट है तो यार डेफिनेटली इंजॉय करने वाले हो, काफी डीप बेस आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगर बात करें हाई नोट्स की यानी ट्रेबल की, वो भी काफी बड़े से काम करते हैं, जो मिक्स सेपरेशंस है दैट आल्सो वर्क्स वेरी वेल। अगर बात करें साउंड क्वालिटी की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10mm का डायनेमिक ड्राइवर दिया गया है, सराउंडिंग साउंड आपको मिलने वाला है, और अगर आपको लाउडनेस पसंद है तो डेफिनेटली आप इंजॉय करने वाले हो। 100% वॉल्यूम में भी गाने सुनोगे, क्रिस्टल क्लियर आपको यहाँ पर म्यूजिक मिल जाता है। एक एक लिरिक्स आप क्लियर क्रिस्टल यहाँ पे सुन पाते हो और आपको कोई भी डिस्टॉर्शन महसूस नहीं होता है। इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन बड़े से काम करते हैं, वोकल्स क्लियर क्रिस्टल है, एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन काफी बड़े से काम करता है। आप गाने सुन रहे हो या कॉल्स वगैरह में बात कर रहे हो, यहाँ पर जो बाहर की अनवांटेड साउंड है उसे ये काफी इजिली किल कर देता है और आप क्रिस्टल क्लियर म्यूजिक को इंजॉय कर पाते हो। अगर आप आउटडोर कंडीशन में म्यूजिक सुन रहे हो या इंडोर कंडीशन में सुन रहे हो तो वर्क्स वेरी वेल। इवन अगर आप नॉइजी एरिया में गाने वगैरह सुन रहे हो तो एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन को आप ऑन कर लेते हो, जो बैकग्राउंड नॉइज है उसे ये किल कर देता है और क्रिस्टल क्लियर म्यूजिक आप यहाँ पर इंजॉय कर पाते हो। मैं इसे यूज कर रहा हूँ 2 weeks से, दैट वर्क्स वेरी वेल। जो एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन है बढ़िया से काम करता है। Boat AirDrops 413 में जो टच कंट्रोल है वो काफी बढ़िया से काम करते हैं। मैं इन्हें 2 weeks से यूज कर रहा हूँ और यह टच कंट्रोल वर्क्स वेरी वेल। कोई कॉल आ रही है तो कॉल को आंसर कर सकते हो, कॉल को रिजेक्ट कर सकते हो, नेक्स्ट ट्रैक प्रीवियस ट्रैक में जा सकते हो, प्ले कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, और यहीं से आप वॉल्यूम को कंट्रोल कर पाओगे। गूगल वॉइस असिस्टेंट और सीरी को आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर जो मल्टीमीडिया फंक्शन है वो काफी बढ़िया से काम करता है। वही यहाँ पर इसका जो वायरलेस रेंज है वो है अप टू 10 meters का, वो भी काफी बढ़िया से काम करता है। 10 meters के डिस्टेंस में अगर आप इसे यूज कर रहे हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ब्लूटूथ 5.2 टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज किया गया है, जो कि फास्ट कनेक्टिविटी के साथ में आता है। IPX4 वाटर रेसिस्टेंट के साथ में आता है। तो मॉर्निंग में आप रनिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, पसीने होते हैं या पानी के अगर छींटे पड़ेंगे तो जल्दी खराब नहीं होने वाला है। ईयरबड्स की जो फिटिंग है यार काफी बढ़िया दी गई है। मैं इसे पहन करके मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर रहा हूँ, रनिंग कर रहा हूँ, कानों से गिरता नहीं है। वैसे आपको 3-4 एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाते हैं तो अपने कानों के अनुसार आप चेंज कर सकते हो। मैं बोल सकता हूँ कि जितने भी ईयरबड्स मैंने यूज किए हैं इसका जो फिटिंग्स है वो परफेक्ट है, और अगर आपके कान छोटे या बड़े हैं तो ये काफ़ी बढ़िया फिटिंग्स आपको देगा, वर्क्स वेरी वेल। अगर बात करें कॉलिंग परफॉर्मेंस की, कॉलिंग क्वालिटी की, तो 2 weeks से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, और अगर आप आउटडोर कंडीशन में नॉइजी एरिया में बहुत सारे कॉल्स कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ENX टेक्नोलॉजी फॉर कॉल्स दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया से काम करता है और आप क्रिस्टल क्लियर सामने वाले से टॉक कर पाते हो। मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा कॉल्स किए हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, कॉलिंग परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया आपको मिल जाता है आउटडोर कंडीशन में। और इनडोर कंडीशन में फैन चल रहा है या एसी चल रहा है, अगर आप कॉल्स वगैरह कर रहे हैं तो क्रिस्टल क्लियर आप यहाँ पर टॉक कर पाते हैं। इसका जो ऑडियो है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको मिल जाता है, तो कॉलिंग परफॉर्मेंस भी बढ़िया दिया गया है। Boat AirDrops 413 में जो बैटरी बैकअप है वो भी आपको अच्छा मिल जाता है। ये जो चार्जिंग केस है इनके अंदर में 320 मिलियन पावर की बैटरी आपको दी गई है, जो कि 2 hours में ये फुल चार्ज हो जाता है। और Boat यहाँ पे क्लेम करता है कि एक बार आप इन्हें फुल चार्ज कर लेते हो चार्जिंग केस में जो बैटरी है, तो यहाँ पर आपको 60% वॉल्यूम में 17 hours का ये बैकअप देता है। मैं इसे 2 weeks से यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, यहाँ पर अगर आप इन्हें फुल चार्ज कर लेते हो तो आपको 100% वॉल्यूम में 9 hours का बैकअप देता है और 60% वॉल्यूम में 12 hours का बैकअप देता है। वही यहाँ पर जो हमारे ईयरबड्स हैं इनके अंदर में 37 मिलियन पावर की ईच बैटरी आपको दी गई है, जो कि 1 hour 50 minutes में ये फुल चार्ज हो जाता है, और 100% वॉल्यूम में आपको ये देता है 2 hours का बैकअप, और यहाँ पर 60% वॉल्यूम में आपको ये 3 hours का बैकअप दे देता है। डिपेंड करता है कि आपका यूजेज कैसा है। ओवरऑल यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छा है, बहुत सारे गेम्स वगैरह प्ले कर रहे हो, हैवी गेम या म्यूजिक सुन रहे हो तो आपको बैकअप अच्छा दिया गया है। तो गाइस ये था हमारा अनबॉक्सिंग रिव्यू Boat AirDrops 413 TWS का। बढ़िया TWS है, ₹2,500 में आप इसे परचेज कर सकते हैं। ये Amazon इंडिया और Flipkart के ऊपर अवेलेबल है, और बिग बिलियन डे सेल में आपको ये ₹1,500 to ₹2,000 के बीच में भी आपको ये मिल सकता है। लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, 2 colors में अवेलेबल है, और मैं इसे 4.7 out of 5 की रेटिंग देना चाहता हूँ।
तो आप इसे डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। म्यूजिक परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, कॉलिंग क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, बैटरी बैकअप भी आपको अच्छा मिल जाता है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। जो टच कंट्रोल है बढ़िया से काम करते हैं, फिटिंग्स इसकी काफ़ी बढ़िया है, तो आप इसे परचेज कर सकते हो। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबा दें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस हमारी वीडियो की टाइमली मिल जाए। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मैं परितोष सथानी साइनिंग ऑफ।